એક્ઝોટિક વેબ મીડિયા ડીજી ચેનલ પર આપનું સ્વાગત છે. આજે આપણી સાથે અહીંયા મિસ્ટર અતુલ વાસન સર આપણી સાથે અહીંયા જોડાયા છે. સર, આપ સુરત આયો, કેસા લગ રહા હે? બહુ અચ્છા લગ રહા હે. બહુ સારો બાદ સુરત આયે આને કા મોકા મિલા હે. અહીંયા પહેલે મેચિસ ખેલા કરતે થે હમ, પર અબ સિટી કો દેખ કે બહુ ખુશી હુઈ હે કે ઇતની ડેવલપ હો ગઈ હે, સાફ સુથરી હે, બડી ખૂબસૂરત શહેર બન ગયા ઓર ઇતની ક્રિકેટ કા માહોલ હે યહાં પે, ઇતની એકેડમીઝ ખુલ ગઈ હે. તો લગતા હે કે અબ યહાં પે ઇન્ટરનેશનલ મેચિસ જરૂર શરૂ હો જાયેંગે. अपने यंगस्टर्स लोग यहाँ पर क्रिकेट की कोचिंग के लिए आए हैं, आपको कैसा यहाँ पर आपको लग रहा है? देखिए, यहाँ तो क्रिकेट का जुनून है भारत में, और आजकल तो सीजन भी है और वर्ल्ड कप आने वाला है, और विराट कोहली जैसे अब कप्तान है आपके पास, तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी हिम. तेंदुलकर, विराट कोहली, ये रोल मॉडल्स हैं धोनी, तो उसको देखते हुए यही गेम है लगता है खिलाड़ियों को. और अगर मौके मिले, अच्छी फैसिलिटीज हों खेलने की, तो वाई नॉट, यू नो, एटलीस्ट घर में बैठे वीडियो गेम खेलेंगे या टीवी देखेंगे, उससे बेहतर ग्राउंड पे आके खेल रहे हैं गर्मी में. तो क्रिकेट, अगर क्रिकेटर नहीं भी बनेंगे तो खेलते रहेंगे, तो टीम स्पिरिट और बहुत कुछ सिखाता है ये खेल. आजकल सभी लोग मोबाइल के अंदर क्या वीडियोस बनाते हैं या घर के बाहर ही नहीं निकलते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? उनके लिए क्या कहें, मतलब लगता है कि यहाँ आके आप ग्राउंड पे आएँ, शाम को पसीना बहाएं, शाम को फिर जाके आपको सेटिस्फेक्शन होता है, जीतने हारने की आपको आदत पड़ती है, टीम स्पिरिट की आदत पड़ती है, हार के फिर से कल ग्राउंड पे आना उसकी आदत पड़ती है. तो घर में बैठे रहेंगे तो एक तो सीखेंगे. तो सभी पेरेंट्स से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, और अपने बच्चों को जितना इनकरेज करें आने के लिए. और अच्छी बात है कि प्राइवेट पार्टनरशिप्स हो रही हैं, डेवलपमेंट टैलेंट सर्च प्रोग्राम्स हो रहे हैं ऐसे, तो जहाँ पे अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो वो भी निकल नहीं जाएगा, तो इंडिया को बेटर से बेटर खिलाड़ियों का पूल मिलेगा. एक छोटा सा मैसेज सूरत वालों के लिए, वह ऐसे क्रिकेट में दिल लगा के खेलते रहें और बच्चों को सपोर्ट करें, आउटडोर एक्टिविटी को सपोर्ट करें, और शहर आपका खूबसूरत है, बढ़िया माहौल है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इकॉनमी भी बड़ी ज़बरदस्त है बाकी शहरों के मुकाबले, तो विन विन सिचुएशन है सूरत वालों के लिए. थैंक यू.